हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मम्मी के घर से निकल के भुवनेश्वर फिर से जा रही हूँ। तो आज 1:30 है मार्च, तो हम अभी निकल रहे हैं। टाइम देखिए 6 बज रहा है। हमारा बस अभी आने वाली है, तो बस में हम जाएंगे। और तो जा रहे हैं हम। तो देखिए, हमारा घर और गांव छोड़ के मैं बच्चों को लेके अभी जा रही हूँ। आज मैं अकेले जा रही हूँ बच्चों को लेके, और मेरे नानी ना उधर से आ रही है, तो मैं नानी को बोल रही थी, जा रही हूँ मैं, ये बोल रही थी। तो अभी हम आके पहुँच गए हैं बस स्टॉप पे। तो इधर कोई इतना अच्छे से बस स्टॉप बना हुआ नहीं है। ये हमारा जो मेन रोड है ना, उधर आके हम पहुँच गए। बस अभी इधर आएगा। तो देखिए, बच्चे और मैं, हमारा डॉगी भी आ गया है। मम्मी पापा हमको छोड़ने के लिए आए हैं। पापा में जो लगेज है वो लेके आए हैं, साइकिल में लगेज, और उसके साथ मेरे जो पैंट शर्ट वगैरह होता है वो मेरा लगेज है, और बोरी में जो सामान पापा के घर से मैं लेके आई हूँ, छोटे मोटे सामान, वो बोरी में भर के लेके आए हैं। और देखिए, गांव का मॉर्निंग ऐसे पूरा ओस पड़ा हुआ है चारों तरफ। और ये देखिए, हमारा बस आ गई है। तो अभी हम बस में चढ़ जाते हैं। और इधर से घर जाने तक, भुवनेश्वर तक, हमको अभी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हम जाके उधर घर में पहुंचेंगे। तो उतना टाइम गाड़ी में जाना पड़ेगा, बस में रहना पड़ेगा उतना टाइम। तो अभी हम बस में चढ़ रहे हैं, और जो हमारा लगेज है ना, पीछे जो गाड़ी में रख लिया है। और अभी बच्चे में सब चढ़ गए हैं। जाते ही हमको सीट नहीं मिला, थोड़ी देर के बाद ये सीट मिल गई है। और हमने ना 3 सीट बुक करने के लिए मैं सोच रही थी, पर गाड़ी ना पूरा ऐसे था, फांका था, तो हमने 2 सीट बुक किया। अभी हमने गाड़ी से उतर के ऑटो कर लिया है। और रास्ते में ना ऑटो वाला ने हमको बहुत परेशान किया, ये ऑटो वाला नहीं, दूसरे ऑटो वाला। और तो सोच के उसने ऑटो का किराया इतना बताया कि बताओ मत। इससे पहले और एक ऑटो वाला आया था, वो खुद आया हमारे पास। जैसे हम बस से उतरे, लगेज हमारे साथ था और बच्चे भी थे, और मैं अकेली थी, तो उसको लगा कि मैं जाऊंगा, हेल्प करूंगा शायद बस। तो हम उस ऑटो में बैठ गए। बैठते ही उसने बताया कि 200 रुपीज़ किराया है। तो वो सुन के मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जब वो बस से हम उतरे से, उधर से घर तक 2 किलोमीटर की रास्ता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किराया घूम फिरे के, जितना वो होता है, ट्रैफिक होता है, सब कुछ छोड़ के 100 रुपीज़ होता ज़्यादा से ज़्यादा। उसने तो पूरा 200 किया। तो हमने उतर गए उससे, और दूसरे वाला ऑटो ला के हम अभी हमको घर में छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली आके मैं भुवनेश्वर में हमारा घर में पहुंच गए, हमारा जो रेंटल हाउस है। तो बच्चों को अकेले साथ में लेके आना, उसके साथ में ये लगेज लेके आना मेरे लिए है ना बहुत मुश्किल था। तो अभी ये सब हो गया है। हम बस से उतरे, फिर ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा करके सारा सामान उसमें भर के फिर लेके घर में आके अभी अभी पहुँचे हैं। हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए हैं और घर लॉक कर दिए थे। चाबी उन्होंने बाहर रख दिया था, और जहाँ रखा था हम उनको बता दिए थे। तो चाबी खोल के हम अभी अंदर आए हैं, थोड़ा फ्रेश होके फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में इडली के साथ घुगनी और समोसा। तो आज का ब्रेकफास्ट हम बाहर से ही लेके आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम 2 बज रहे हैं, और मैंने लंच बना लिया है। लंच में मेरी चावल बन के रेडी हो गई है, उसके साथ अरहर की दाल और ये वाले सूखा भुजिया। इसके साथ मैं बनाऊंगी एक ड्राई फिश, और ये कटोरी में मीठा निकाली हूँ हस्बैंड के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं सूखा मछली को फ्राई कर रही हूँ, ये ना हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इधर बच्चे कोई नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ। और इसके ना ये सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई हूँ, तो इसलिए एक बनाई हूँ।
तो इस कढ़ाई में मैंने पहले से ही भुजिया बनाया था और इसमें थोड़े थोड़े तेल थे तो मैंने इसको वाश नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। एक ही तो है तो नीचे जलेगा नहीं इसलिए। तो देखिए मेरे तो जो सूखा मछली का भुजिया भी तैयार हो गया है। अब मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। तो अब हम सब मिलके करते हैं लंच। तो आज हमारा लंच में चावल, दाल और ये आलू और कुंदरू ये सब मिक्स एक सूखा भुजिया है। उसके साथ हस्बैंड के लिए मैंने वो सूखा फिश फ्राई किया है। अभी हमने मिलके लंच कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए। मैं जैसे 4 बजे से उठी थी ना, मुझे अभी थोड़ी नींद लग रही है और तो इसलिए आज का ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ मिलूँगी और एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं जा रही हूँ अब रेस्ट करने के लिए। कृष्णा आप भी आ जाओ, सब सो रहे हैं और हम भी थोड़ी टाइम के लिए सो जाते हैं। आ जाओ बाबा। कृष्णा आ जाओ, आ जाओ।